हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो वक्त हो चुका है एंटरटेनमेंट जगत की कुछ तड़कती भड़कती खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। बॉलीवुड के टाइगर यानी सलमान खान को काले हिरण मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई। काला हिरण शिकार केस में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। आज की रात सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल कोर्ट में बितानी पड़ेगी। सलमान कल जोधपुर कोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर करेंगे। 20 साल इस पुराने केस में सलमान के साथ वाले आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान एवं अन्य के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 3 में सलमान खान समेत सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। बागी 2 की एक्ट्रेस दिशा पाटनी चली टाइगर श्रॉफ की राह पर। इंस्टाग्राम पर अपलोड करी अपनी हॉट एप्स की पिक्चर। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। जबरदस्त एक्शन से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान की तरफ से किया गया है। हाल ही में दिशा ने इंस्टाग्राम में तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने टोन्ड एप्स को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही है। टाइगर की ही तरह दिशा पाटनी भी एक फिटनेस फ्रीक है। दिशा आए दिन अपनी टोन्ड बॉडी की तस्वीरों को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं। 42 की उम्र में ये हॉट एक्ट्रेस बना रही है सिक्स पैक्स एब। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेस में शुमार है जिन पर बढ़ती उम्र का कोई भी असर नहीं पड़ा है। 42 की उम्र में भी वो 20-25 साल की लगती है। फिल्मों को अलविदा कहे दोनों बेटियों की परवरिश में बिजी सुष्मिता सेन अपनी फिटनेस के लिए भी मशहूर है। सुष्मिता सेन ने कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी कि वह सिक्स पैक एब्स बनाने जा रही है। उनकी ताजा तस्वीर से साफ है कि सुष्मिता सेन अपनी मंजिल तक पहुंचने के करीब आ चुकी है। सुष्मिता ने शेयर किया अपने वर्कआउट का ये वीडियो। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती की पुण्यतिथि। फैंस के दिलों में आज भी जो अभिनेत्री जिंदा है वो है दिव्या भारती। दिव्या ने सालों पहले आज के ही दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। दिव्या की अचानक हुई मौत ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया था। 5 अप्रैल 1993 की रात मुंबई के वर्सोवा इलाके में तुलसी अपार्टमेंट्स की 5वीं मंजिल के फ्लैट से गिरने से उनकी मौत हो गई थी। बहुत कम उम्र में सफलता के मुकाम पर पहुंची दिव्या भारती की मौत ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा शो 15 एपिसोड में ही रैप अप हो सकता है। कपिल शर्मा 7 महीने के ब्रेक के बाद अपने नए शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा के साथ टेलीविजन पर लौटे हैं। उम्मीद थी कि शो को 26 एपिसोड तक ऑन एयर किया जाएगा, पर अब मेकर्स चाहते हैं कि अगर शो को अच्छी रेटिंग नहीं मिली तो कपिल इसे 15 एपिसोड में ही रैप अप कर देंगे। आपको बता दें कि इस शो की रेटिंग आने में अभी वक्त है, पर शो को सोशल मीडिया पर ऑडियंस से नेगेटिव रिएक्शन